अच्छी पर्ची खर्ची चल रही है हरियाणा में, ये सिर्फ एक इनका टसोसला है। 40% वालों को नौकरी दे दी और 60% वाले आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। कह रहे हैं लोग भाई पंजाब की सरकार जो है ठीक रोजगार दे रही है। पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं भाई साहब, बहुत लगे। मैं अपने गाँव को जान दे, 200 बच्चे मेरे गाँव के लोग और किसका जान दे। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है एक युवा उप मुख्यमंत्री के द्वारा। ये हरियाणा है, यहाँ अभी केजरीवाल जी का कोई अस्तित्व नहीं है, फिलहाल दुष्यंत चौटाला ही इस हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। हरियाणा एक खट्टर सरकार है, वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। केजरीवाल को ही हमारे जो है देश वही संभाल सकते हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं संभाल पाएंगे। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मुझे तो केजरीवाल सरकार ही लगी है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं सोनीपत में हूँ और यहाँ हम लोगों से पता करेंगे कि सरकार के जो काम काज है वो लोगों को कैसे लगते हैं। ये चौक है सोनीपत का, जिसको बहालगढ़ चौक के नाम से जानते हैं, बड़ा व्यस्त चौक रहता है। और यहीं पर आइए, आपको भी लोगों की जो राय है वो सुनवाते हैं कि लोग सरकार को लेकर के क्या कहते हैं। शुरुआत भाई आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ जी, सरकार ने अभी सी ग्रुप की जो नौकरियाँ निकाली हैं, क्या सोचते हैं आप उसको लेकर के? सरकार कहती है बिना पर्ची खर्ची के अच्छा रोजगार दे दिया। अच्छी पर्ची खर्ची चल रही है हरियाणा में, ये सिर्फ एक इनका टकोसला है। 40% वालों को नौकरी दे दी और 60% वाले आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरियाँ नहीं दी, ये सिर्फ एक सरकार का टकोसला है। अच्छा, हाँ जी सर। तो फिर आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ ये नहीं है? ये तो हर जगह आरोप लगते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पंजाब सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, जो रोजगार देने में सही लगी पार्टी, जो कह रहे हैं लोग भाई पंजाब की सरकार जो है ठीक रोजगार दे रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार भी बहुत अच्छी है, जो वहाँ पे अच्छे रोजगार देने का काम कर रही है युवाओं को। भैया मैं पूछ रहा था, जो रोजगार का पैटर्न है कौन से स्टेट का अच्छा लगता है आप लोगों को? हाल फिलहाल तो रहना से सके भी नहीं भाई साहब, हाल फिलहाल तो रहना से सके भी नहीं है। हरियाणा ये लगा रहा हूँ, चुलकाना गांव से हूँ मैं। कौन से गांव से? चुलकाना गांव है, पानीपत का चुलकाना धाम। ठीक है, मेरे गांव से बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं करके 200 बच्चे लग चुके हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे गरीब करोगे बच्चे, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कभी। कांग्रेस गवर्नमेंट लगता था पूरी भर्ती में क्या 2 बच्चों की दबंग के सरपंच के तो नेताओं के साथ साथ में उनके। अब तो भाई साहब ऐसी गवर्नमेंट देखने मेरी लगी, मैं ये निकल आगे मेरी नहीं, तो ब्लेम कर दो, ऐसा नहीं है। मैं टेस्ट में पास नहीं कर पाया, 1-2 नंबर से रह गया। अच्छा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं भाई साहब, बहुत लगे। मैं अपने गांव को जान दे, 200 बच्चे मेरे गांव के लोग और किसका जान दे। बताओ भाई, आप भी बताओगे कि जो रोजगार देने में हरियाणा सरकार कामयाब है नहीं है? सर मैं बाहर का हूँ। कहाँ से हो? यूपी है। वैसे कौन सा स्टेट लगता है रोजगार देने में युवाओं में अच्छा है? सर फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ बाहर का टूरिस्ट हूँ। आपको क्या लगता है सर? जो दुष्यंत चौटाला जी ने 75% आरक्षण जो पहल करी है वो युवाओं का भविष्य तय कर देगा इस हरियाणा प्रदेश में। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है एक युवा उप मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मिला कुछ लोगों को इस प्रकार से रोजगार? बिल्कुल मिला है जी, प्राइवेट में भी मिल रहा है और आगे चल के और भी मिलेगा जब ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये भाई कह रहा था कि केजरीवाल का पैटर्न ठीक है, आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ अभी केजरीवाल जी का कोई अस्तित्व नहीं है, और निकट भविष्य में कभी होगा तो हम उनको उस टाइम देखेंगे और उस टाइम उनको तोलेंगे कि वो कैसा। फिलहाल दुष्यंत चौटाला ही इस हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। आपको क्या लगता है बस? केजरीवाल जी देखो बहुत अच्छे नेता है, और जो दिल्ली और पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो रोजगार के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो जैसा कि इन्होंने बताया कि जेजेपी सरकार है, वो नौकरियों में उन्होंने देने का वादा आज नहीं कई साल पहले किया था, लेकिन वो अभी भी अटका हुआ है। वो हुआ नहीं है पूरा। अच्छा। जो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो रही थी वो हुआ नहीं है, जबकि हम न्यूज़ देखते रहते हैं जो भगवंत मान जी है उन्होंने वहाँ पे हजारों की संख्या में भी युवाओं की भर्ती करी है। इस मामले में दिल्ली की सरकार भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो है ना वहाँ पे क्या है कि बिजली और पानी दो की व्यवस्था है फ्री में। आज के समय में क्या हो रहा है कि जैसे हरियाणा एक खट्टर सरकार है, वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। लगभग लाखों की संख्या में कैंसी हम देख रहे हैं कि इतनी कम भर्तियाँ किसी सरकार में हुई हो, मतलब बहुत ही कम भर्ती हुई है, ना के बराबर हुई है। तो इस मामले में जो है केजरीवाल जी और जो है भगवंत मान जी है पंजाब की सरकार है वो बहुत अच्छा। ये तो आम आदमी पार्टी का अच्छा बता रहे हैं। आपको लगता है हरियाणा में है कुछ ऐसा?
आम आदमी पार्टी इस बार आएगी और वही चुनाव जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल को ही हमारे हमारा जो है देश वही संभाल सकते हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं संभाल पाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल कैसे हैं? मुख्यमंत्री मतलब कि उनका जो कैंडिडेट है, जो यहाँ सीएम का कैंडिडेट बनेगा, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज है वो सबसे बेस्ट है। अब दिल्ली के अंदर देखो किस तरीके से सरकार चल रही है, पंजाब में देखो 46,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है अब तक, और दिल्ली में देखो सबको सरकारी नौकरी मिल रही है। तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मुझे तो केजरीवाल सरकार लगी है, बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। मेरा केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक सवाल है, SYL का पानी पंजाब में मिलेगा या हरियाणा में मिलेगा? इसका जवाब केजरीवाल जी खुद आकर दें तो हम माने। ये SYL का बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं लोग। SYL के मुद्दे पे ऐसा है जी, पहले भी जैसे कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी रही है, हरियाणा में भी रही है, लेकिन उस टाइम भी ये मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। इसमें जो ना सेंटर का हस्तक्षेप चाहिए, सेंटर की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बिठा के राज्य सरकारों को, तब जाके इस मुद्दे का समाधान निकाल सकती है। ऐसे बहुत मौके आए हैं जिनमें जैसे कांग्रेस की सरकार हरियाणा पंजाब में रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा पंजाब में रही है, लेकिन ये जो SYL वाला वो भी नहीं सुलझा पाए, और अभी लोग उनसे उम्मीद कर रहे केजरीवाल जी से कि वो सुलझा दें। यहाँ पे इसमें केंद्र की सरकार का जो है ना, आप एक बात बताओ भाई, हरियाणा जो सरकार है रोजगार के मामले में कैसी रही? कट्टर सरकार ने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया, कुछ भी, कोई भी काम नहीं किया, इसके जमा अड़क दिया है, कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी, सभी बच्चे ऐसे घूम गए हैं। सर आप देख लो, एक भी केजरीवाल ने 80% वादे पूरे कर दिए दिल्ली में, 20% अगर वो भी पूरे हो जाएंगे। थोड़ा इधर आ जाओ, ये गाड़ी निकलती होगी, वो भी पूरे हो जाएंगे। 20% वादे अगर गए, 80% वादे पूरे कर दिए केजरीवाल ने। सोनीपत में केजरीवाल वाले इतने कितने इकट्ठे हो गए भाई, बिल्कुल थका दिए बीजेपी ने, कुछ काम नहीं किया बिल्कुल। मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल बिल्कुल बेस्ट है भाई, यही चाहिए केजरीवाल। हरियाणा में भी लगा आ जाओ तो कुछ कर देगा। हाँ बिल्कुल, सब काम करेगा बिल्कुल। दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली का सरकारी हॉस्पिटल देख लो, सब कुछ पूरी दिल्ली में, दिल्ली उठती है हॉस्पिटल पूरे इंडिया के, कोई भी मरीज होता है इंडिया में, दिल्ली में ही उठती है सभी मरीजों को। आपको क्या लगा भाई केजरीवाल का जो ये जिक्रा कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है? हाँ बहुत अच्छा है, देखो वैसे देखें तो अच्छे काम किए हैं, ठीक है, बस थोड़ा सेफ्टी पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा दिल्ली। हरियाणा में के व्यंत रहे अगर वो आ जाओ तो? हरियाणा में तो देखो जी, सेफ्टी के मुद्दे को देखें तो ये गवर्नमेंट अच्छी रही है, लेकिन अगर रोजगार के मुद्दे पर देखें, जैसे हम जैसे यंगस्टर हैं उनके लिए तो क्या है कि एक हम यही देखते हैं कि हमें जॉब के लिए ट्राई करेंगे इस टाइम पे, तो क्योंकि यही फ्यूचर सेट करने की उम्र होती है। कह रही है कि सी ग्रुप, डी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप निकाल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाई, जैसे CET के लिए क्वालिफाई कर पाए थे, कभी एग्जाम हो रहे हैं फिर वो कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, फिर बार बार क्या हो रहा है कि एग्जाम होते हैं तो किसी पेपर में पिछले एग्जाम के जो कहाँ रहते हैं आप? मैं बेसिकली हिसार से हूँ। तो दिल्ली का भी देखा कोई मॉडल वोडल का? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे बना रखे हैं, जैसे भी है पहले से बहुत बेटर हुआ है। और रोजगार के मामले में क्या है? रोजगार के मामले में भी ठीक है, लेकिन सेफ्टी कम है, सेफ्टी कम है, थोड़ा है, थोड़े जरूर हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, ये यूथ खड़े हैं। हाँ जी साहब, कहाँ से? यहीं से हैं आपकी? कहाँ से? ये सरकार जो नौकरी नाकरियाँ देने लग रही है, ठीक ठाक है मामला की और जरूरत है इसमें ना? ठीक है जी, रोजगार के मामले में ठीक है हरियाणा सरकार? हरियाणा रोजगार के मामले में तो ठीक है जी, नौकरियां तो मिल रही है, नौकरी तो लग ही रही है जी, बच्चे ये कह रहे हैं बिना पर्ची खर्ची का दे रहे हैं हम। अब बिना पर्ची खर्ची का ही है जी, जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, जो नहीं पढ़ाई कर रहा वो अपने घर पे बैठे। तो ये सोनीपत में हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार का जो रोजगार देने का मॉडल है उससे वो लोग कितने संतुष्ट हैं। खैर इन्होंने अपने विचार रखे हैं, और इसके बाद आपको क्या लगता है कौन सही है कौन नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से अरविंद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।